से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। संजीव मुखिया के ठिकाने का पता चला है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आरोपी रॉकी से पूछताछ में मिले अहम सुराग। संजीव मुखिया की आज हो सकती है गिरफ्तारी। तो जो लगातार रॉकी से पूछताछ की गई, उसमें जो सुराग मिले हैं, उस पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया की आज गिरफ्तारी हो सकती है। और आज अगर संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होती है तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी पुलिस के लिए, सीबीआई के लिए, क्योंकि संजीव मुखिया ही मेन सरगना है, मुख्य आरोपी जिसने पूरी प्लानिंग की, कैसे पेपर लीक होगा, किस किस को फायदा पहुंचाना है, कैसे परीक्षार्थियों को आंसर्स देने हैं, ये तमाम चीजों को लेकर जो पूरा नेक्सस है, जो पूरा जाल बुना गया, जिसमें संजीव मुखिया की मुख्य भूमिका रही। और जब संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होगी तो जाहिर सी बात है पुलिस तमाम सवाल जवाब करेगी, और इसी से ये भी सामने निकल कर आएगा कि आखिरकार कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को इस पेपर लीक से फायदा पहुंचाया गया था। तो संजीव मुखिया के ठिकाने का पता चला है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आरोपी रॉकी से पूछताछ में ये सामने निकल कर आया है, संजीव मुखिया की आज गिरफ्तारी हो सकती है। संजीव मुखिया के ठिकाने का पता चला है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आरोपी रॉकी से पूछताछ में मिले हैं कई अहम सुराग। नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। संजीव मुखिया के ठिकानों का पता चला, संजीव मुखिया की आज गिरफ्तारी हो सकती है, नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी ये खबर है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, तमाम राज्यों में छापेमारी की जा रही है, तमाम राज्यों में गिरफ्तारियां की जा रही हैं आरोपियों की। आरोपियों से जो पूछताछ में सामने निकल कर आया, उनके आधार पर आगे भी पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। अब बात करेंगे